good morning sixth class today we are dealing with chapter number eight and name of the chapter is body movements and we have already completed the topic joints right one bone is connected with another bone right this point of attachment this point is known as joints right and because of, uh, you cannot uh, move bone from here from here but at the point of a joint we can move means there is movement in the bone because of joints right and all the bones in our body form a framework राइट टू गिव अ शेप टू आवर बॉडी एंड दिस फ्रेमवर्क इज नोन एज स्केलेटन राइट बोन्स आर मीन्स बोन आर वेरी यूजफुल फॉर आरस फॉर मेकिंग वन फ्रेमवर्क राइट वो हमारे पूरे शरीर को एक आकार देता है एक फ्रेम देता है एंड दैट फ्रेम द फ्रेम इज नोन एज स्केलेटन के स्केलेटन देन नेक्स्ट वी हैव टूडे वी आर डीलिंग विथ बोन्स Right today our topic is bones. Bones. How many types of bones are present in our body? Uh, it is bones are present in hand. Then it is present in rib cage, backbone, shoulder bones, pelvic bones, and skull. Right. So all these. So how many they are? There? One, two, three, four, five, six. Six types of bones. We will deal one by one. So here is our bones of hand. Just look here. This one is wrist, and all these are the structures of bones right and their numbers of bones so here uh, this one is bones present in the wrist right wrist ko kalai wrist watch pe watch dalte ho right that is wrist is made up of several small bones called carpals here these small bones are known as carpals right carpals and uh, then uh, these five are known as metacarpals then uh, next five are Proximal phalanges, then intermediate one two three four, but it is absent in case of the thumb. Yamara our thumb: first finger, middle finger, ring finger, and the small finger. Right? And distal phalanges: how many? Again, they are 5. So, intermediate phalanges is absent in the thumb. Right? So, here, carpals. These small bones are known as carpals. They are 8 in number. Right? So, this is all about bones of hand. Next, about rib cage.

राइट right? हवा में ही होते हैं उन्हें फ्लाइंग रिप्स कहा जाता है अंडरस्टूड सो केज रिप्स ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड बैक बोन टूगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स कॉल केज एंड देन फंक्शन प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल पार्ट्स और ऑफ आर बॉडी इसके अंदर क्या होता है केज के अंदर क्या होता है लंग्स होता है उसको प्रोटेक्ट करता है अंडरस्टूड सो दिस इज अबाउट नंबर सेकेंड द केज नंबर थर्ड अबाउट बैक बोन यह हमारे पीछे होता है अभी हमने देखा चेस्ट बोन एंड बैक बोन बैक बोन इज प्रेजेंट एट द बैक जब आप अपने हाथों को या अपने फ्रेंड के पीछे टच करेंगे के जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं इसे रीढ़ की हड्डी राइट तो आप उसे टच करोगे देन दिस वन इज बैक बोन वॉटिब्रे एक कॉन्सेप्ट आया है वोटिब्रे बैक बोन इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स कॉल वोटिब्रे तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर क्या है बैक बोन है एंड ईच बोन इज नोन एज वॉटिब्रे कितने होते हैं ये टोटल थर्टी थ्री अंडरस्टूड देना नेक्स्ट है शोल्डर बोन ये आपके शोल्डर्स पे होता है दोनों शोल्डर्स पे होता है कितने नंबर्स हैं ये वन टू थ्री इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम है क्लैविकल स्कैपुला एंड ह्यूमरस राइट अलग अलग नाम है ये आर्म पे है ये मिड में है और ये ऊपर है सो बोन्स प्रेजेंट इन द शोल्डर ऑफ ह्यूमन बींग आर कॉल्ड बोन्स प्रेजेंट इन द शोल्डर दे आर नोन एज शोल्डर बोन्स हाउ मेनी दे आर दे आर थ्री ऑन ईच साइड दोनों शोल्डर पे तीन तीन होते हैं Understood? नेक्स्ट नंबर फिफ्थ इज पेल्विक बोन पेल्विक बोन टोटल नंबर ऑफ बोन्स आर फोर वन टू थ्री फोर के पेल्विक बोन्स इंक्लोज द पोर्शन ऑफ आर बॉडी बिलो द स्टमक। के पेल्विक पोर्शन मीन्स बिलो स्टमक एंड दिस इज द पार्ट वी सिट ऑन जहाँ पे आप बैठे हो जिस पोर्शन को आप यूज कर रहे हो अपने बॉडी का उसको हम क्या कहते हैं पेल्विक पेल्विक रीजन कहते हैं एंड वहां पे जो भी बोन्स लगे हुए हैं यूज हो रहे हैं दोज आर नोन एज पेल्विक बोन्स कितने हैं ये टोटल फोर राइट सो नंबर फिफ्थ टाइप इज पेल्विक बोन्स पेल्विक बोन्स देन देर नंबर सिक्स टाइप इज स्कल हेड पोर्शन राइट द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन राइट right? इसी के अंदर आपका ब्रेन होता है सो फंक्शन ऑफ स्कल इज टू प्रोटेक्ट ब्रेन एंड बोन्स आर टोटल 22 22 बोन्स आर देयर इन स्कल स्कल पोर्शन में कितने बोन्स होते हैं 22 तो अभी तक आपने देखा हाउ मेनी बोन्स वी हैव डील्ड टुडे सो नंबर फर्स्ट वाज व्हाट वाज द नेम इन हैंड के हैंड में कौन सा होता है कार्पल्स उसके बोन्स को कहते हैं देन वी हैव केज वहाँ पे चेस्ट बोन था बैक बोन था एंड देन रिब्स आ देर ट्वेल्व नंबर्स ऑफ रिब्स राइट देन नेक्स्ट वॉज बैक बोन कितना था थर्टी थ्री पेयर्स थर्टी थ्री एंड देन नेक्स्ट आपके पास uh, क्या था शोल्डर बोन्स दे आर थ्री देन पेल्विक बोन्स दे आर फोर एंड हेअर्स स्कल हाउ मेनी दे आर ट्वेंटी टू अंडरस्टोर तो अभी तक हमने कितने बोन्स पढ़े सिक्स वेरी गुड सिक्स टाइप्स ऑफ बोन्स राइट देन अबाउट कार्टिलेज सो कार्टिलेज इज अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इट इज़ प्रजेंट बिटवीन द बोन्स कनेक्शन राइट इट इज़ प्रजेंट ओवर द सर्फिस ऑफ बोन्स अगर आपके पास कोई बोन है राइट इफ देर इज बोन देन द सर्फेस इज मेड स्मूथ स्मूथनेस इज गिवन बाय स्मूथनेस इज गिवन बाय कार्टिलेज ओके इट मेक्स द सर्फेस स्मूथ सो ह्योर इट इज़ नॉट हार्ड बट इट कैन इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग वो बेंड हो जाता है राइट एंड हियर ये आपके पास ईयर है आपके कान है यहाँ पे जो लोब है इट कंटेन्स कार्टिलेज जहाँ पे आप पियर्स करते हो जहाँ पे आप कान को छिदवाते हैं दैट वन राइट एंड इन द जॉइंट ऑफ द बॉडी प्रेजेंट राइट ये हमने आपको बता दिया पहले देन हेयर अबाउट स्केलेटन जो हमने बोला आपको फ्रेमवर्क स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ जॉइंट्स हम पढ़ लिया राइट right? हमने पढ़ लिया देन अबाउट बोन्स हमने देख लिया सिक्स टाइप्स देन वी हैव ऑल्सो डील्ड विथ कार्टिलेज ऑल्सो राइट सो दिस इज ऑल अबाउट स्केलेटन राइट देन वी आर टॉकिंग विद मसल्स जस्ट लुक हेयर आप अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे और देन फोल्ड इट राइट वेन यू फोल्ड इट देर इज एलिवेशन राइट एक्चुअली यह आपके पास बोन्स है हेयर वन बोन एंड इन द लोअर वन टू बोन्स आद हेयर एंड ऑन द साइड बाई साइड ऑफ बोन्स मसल्स मसल्स वर्क इन पेयर्स ऑलवेज मसल एक नहीं होगा पेयर्स में होंगे राइट सो व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट दिस वन एज कॉन्ट्रैक्शन राइट सो हियर द पोजीशन मसल्स आर शॉर्टर के दे आर शॉर्टर दे आर स्टिफर एंड थिक ये मोटा हो जाएगा स्टिफर हार्ड के एंड दे आर शॉर्टर आल्सो ये शॉर्टर हो जाएगा एंड इट पुल्स द बोन बोन को अपनी तरफ खींचेगा और जब रिलैक्स करेंगे तो ये नीचे वाला मसल बोन को अपनी तरफ खींचेगा के बोन मसल्स में एक ही प्रॉपर्टी होती है मसल कैन पुल ओनली सिर्फ वो पुल करता है पुश नहीं कर सकता है अंडरस्टूड तो जब ऊपर आप हाथ ऊपर करते हैं तो ऊपर वाला मसल बोन um, को खींचेगा जब आप हाँ, हाथ हाँ, नीचे करते हैं देन द लोअर मसल पुल्स द बोन डाउनवर्ड राइट सो हियर टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन राइट बोथ मसल्स हैव टू वर्क जब आप ऊपर कर रहे हैं तो ऊपर वाला मसल एक्ट कर रहा है, जब आप नीचे करते हैं तो नीचे वाला मसल एक्ट करता है एंड दे हैव ओनली वन प्रॉपर्टी, अ मसल कैन पुल ओनली एंड मसल्स ऑलवेज ऑलवेज वर्क इन पेयर्स राइट सो दिस इज ऑल अबाउट मसल्स एंड नेक्स्ट वी हैव टूडेज असाइनमेंट टू असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट नंबर फोर एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ योर एक्सरसाइज अबाउट In the blanks, joints of the bone help in the dash of the body. Number second, a combination of bones and cartilage forms dash of the body. Number third, number C part, the bones at the elbow are joined by dash joint. Number D is the contraction of dash pulls the bones during movement. So, this is all about today's uh, work. Submit this work uh, today's uh, video session. Submit all these uh, assignment number four. Uh, in the Google Classroom. Okay, complete this and submit. Um, thank you.